हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज मैं आज कहीं जा रही हूँ, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी अच्छे से। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ वृंदावन घूमने के लिए। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो अभी निकलेंगे हम लोग, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं घर से निकल गई हूँ, अब चलते हैं। मैं तो वृंदावन जाने के लिए इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। रास्ते में मिल गया था हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक, उस पर हम ट्रैफिक से निकले। फिर तो हम लोग को पूरा रास्ता खाली ही मिला। फिर जो हमारी बाइक थी कम से कम 80-90 स्पीड में चल रही थी और हम लोग को जल्दी पहुंचना था और वापसी आना भी था। फिर यहाँ पे भोलेनाथ की भी दर्शन हो गया सुबह सुबह, बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर तो मेरा आधा हालत बिगड़ चुका है, पता नहीं वृंदावन जाते जाते क्या ही होगा, पूरा तो हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे मथुरा में एंट्री ले लिया है, बस हमें से इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कब पहुँचे, कब दर्शन करूं। और आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब नहीं बैठ सकती, अब बस जल्दी पहुँचना है। और यहाँ मेरे बाल वाल ऐसे बिखड़ गए हैं, क्या ही बताऊँ। फिर आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग कर रखा है दीवारों पे, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। फिर हम लोग ने मेरो वृंदावन में एंट्री ले लिया है। फिर और एक माता रानी का दर्शन हो गया, वहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन हुआ था, यहाँ पे माता रानी का दर्शन हो गया। अभी हम लोग राधा रानी का दर्शन करेंगे, फिर बाकी बिहार जी का दर्शन करेंगे। ये रहा प्रेम मंदिर, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। और आप बाहर भीड़ भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है। हम लोग यहाँ नहीं रुके थे, हम सीधा चले गए थे पहले बाकी बिहार जी के मंदिर। हम लोग पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। तो जो हमारी बाइक थी हमने पार्किंग में लगा दिया, उसके बाद हम लोग जाते हैं। बाकी बिहार जी मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग थोड़े आगे जाके हम लोग ने प्रसाद लिया। फिर जो फूल चढ़ाएंगे वो फूल लिए हम लोग ने। फिर यहाँ से हम लोग जो प्रसाद और फूल तम ले कर निकल गए, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। हम सब आ चुके हैं मंदिर के अंदर और इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना अच्छे से सजा रखा था बाकी बिहार जी के मंदिर। अभी संजय टू भी आएंगे यही है। आप मेरी खुशी देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। जो भोग था हम लोग चढ़ा के बाहर आ चुके थे। फिर